नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन चल रही है, वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है, वो इंसान आपके साथ नहीं है या फिर नहीं रहना चाहता है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या उस इंसान को जाने देना चाहिए, मूव ऑन करने पे फोकस करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिस वजह से हम उस इंसान को बचा सकते हैं, इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ऐसा नहीं, हर तरीके के रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, रेगुलर फाइट्स हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके बीच में हुई हो जिस वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। लेकिन सेम टाइम पे ये भी हो सकता है कि अब आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ कंफर्टेबल हो रहा है, इट मीन्स थर्ड पर्सन के साथ, किसी और के साथ कंफर्टेबल हो रहा है, किसी और के साथ खुश है, हैप्पीनेस को फील कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सिचुएशन में हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि कोई हम गलत डिसीजन ना ले। गाइस देखो, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें चल रही हो। तो अगर आप उस इंसान के कांटेक्ट में अभी भी हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं, चाहे वो निगेटिव वे में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके और उस इंसान की बात हो रही है, तो आपको अलग अलग तरीके यूज़ करने चाहिए अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप सेम चीज़ें उन्हें बोल रहे हो हर बार, तो वही होगा जो होते आ रहा है। इट मीन्स कि आप उन्हें सॉरी बोल रहे हो नॉर्मल वर्ड्स में, आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहे हो उनके सामने, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से क्या होगा, वही जो आज तक होते आया है। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि इस सिचुएशन में एग्जैक्टली आपको उन्हें कैसे समझाना है। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहे, डोंट वरी, आपको उसी चीज़ को बार बार समझाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपना तरीका बदलना है। अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो रीज़न पता करो कि आप ऐसी कौन सी बात कर रहे हो जिस वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिस वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझो, अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी को करना बंद कर दो, चाहे उनसे बात करना ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि इस वजह से उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपसे दूर जाने का। तो अगर आप उनके कांटेक्ट में हो, तो अगर आप नॉर्मल बात करना कम कर दो, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बात कर रहे हो इससे निगेटिविटी बढ़ेगी, और पॉसिबिलिटीज़ है कि जितनी ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ेगी वो आपके लाइफ से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। इसलिए सिचुएशन में निगेटिविटी बढ़ाने के बारे में सोचो ही मत। अगर फाइट हो रही है तो इससे बेटर बात करो ही मत, क्योंकि क्या होता, निगेटिविटी बढ़ेगी वो आपसे दूर जाने लगेंगे, और अगर आप बात नहीं करोगे तो निगेटिविटी भी नहीं बढ़ेगी, इट मीन्स आपके बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो उस केस में आप सिचुएशन को रिलैक्स करने के बारे में सोच सकते हो। इफ इन केस आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो इंसान किसी और के साथ खुश है, या वो इंसान आपसे दूर रहना चाहता है, या फिर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो उस केस में क्या आप रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो, सिचुएशन को टाइम दो। इस सिचुएशन में कोई भी एक्स्ट्रा थिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, वो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो इंसान का मूड है ही नहीं आपसे बात करने का, वो आपके कॉन्टैक्ट में रहना ही नहीं चाहता, तो उस सिचुएशन में बेटर यही होगा कि आप सिचुएशन को थोड़ा रिलैक्स होने दो। ज़्यादा चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो इस सिचुएशन में जहाँ पे वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इंसान आपको बहुत जल्दी छोड़ देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, आप सिचुएशन को बिगाड़ो मत। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप वो चीज़ें कर सकते हो, इससे सिचुएशन रिलैक्स होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और जब सिचुएशन रिलैक्स होती है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चांस मिल जाता है एफर्ट्स डालने का। एंड गाइस, सेकेंड थिंग, लाइक अगर वो इंसान नहीं मान रहा है, वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, आपने एफर्ट्स डाले, आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया, आपने काफ़ी सारी चीज़ें की, स्टिल वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो इस केस में यही होगा कि आप ये देखो कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, खुद को कैसे रिलैक्स कर सकते हो, और जो भी सिचुएशन चल रही है सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड आपकी खुद की हैप्पीनेस भी मैटर करती है। हो गाइज, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हो,
और अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।